मौसम समाचार में आपका स्वागत है। रोजाना ताजा मौसम की अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें डीडी परफेक्ट न्यूज को। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आज पूरे देश भर के मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में जमकर बरस रहे बदरा, जानिए अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम। देश के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कहीं गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम एकदम सुहाना है, क्योंकि कल की तरह आज की रात को भी पूरे एनसीआर में बारिश ने मौसम अच्छा कर दिया है। हालांकि बिहार की बात करें तो भयंकर गर्मी ने लोगों को रुला कर रख दिया है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अभी दिल्ली एनसीआर में कई दिनों तक हल्की फुल्की बारिश का अनुमान लगाया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जून के प्रथम सप्ताह में ही लोगों का गर्मी से सामना होगा। बिहार में अभी बढ़ेगी गर्मी। आईएमडी के मुताबिक बिहार में अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने वाला है। बारिश की दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि तापमान लगभग 43 डिग्री पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं मध्यम जून में मानसून आ सकता है। राज्य में इस बार बारिश बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं है, हाँ सामान्य वर्षा जरूर हो सकती है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो एनसीआर में आने वाले ज्यादातर जिलों में अगले 1 सप्ताह लोगों को गर्मी से राहत रहेगी, क्योंकि रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। जून में पड़ेगा सूखा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जून माह गर्म रहने वाला है, क्योंकि इस बार जून में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही उत्तरी भारत का तापमान भी सामान्य से अधिक रहने वाला है, यानी उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ेगी। आपको बता दें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा में गर्मी से थोड़ी राहत रहने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं पूरे भारत की बात की जाए तो बारिश 92% से कम होगी। राजस्थान सहित बिहार में गर्मी बरपा रही कहर, लोगों का जीना हुआ मुहाल। देश के अलग अलग राज्यों में करवट ले रहा मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में अभी कई दिनों तक ठंडा रहेगा मौसम, आईएमडी ने बताई वजह। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें मौसम की ताज़ा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।